What's up guys, I hope you all are doing well. आज हम एक ऐसी महाराष्ट्रियन डिश बनाएंगे जो ऑल ओवर इंडिया फेमस है. रेसिपी का नाम है वेज कोल्हापुरी. तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं. इस रेसिपी में यूज होने वाला कोल्हापुरी मसाला हम सबसे पहले बना लेंगे. कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए ये सारे मसाले हम यूज करेंगे. वीडियो को पॉज करके आप मसालों की लिस्ट भी देख सकते हैं. गैस स्टोव पे पैन रखें और उसमें एक टेबलस्पून जीरा ऐड करें. उसके बाद इसमें एक टेबलस्पून तिल ऐड करें. अब आधा टेबलस्पून मेथी, 12 लवंग, 10 काली मिर्च, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 स्टार, 1 जावित्री, 2 इलायची, 2 तेज पत्ता और 3 टेबलस्पून सूखा बारीक कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे. सारे मसालों को अच्छे से भून लें. सारे मसालों का और नारियल का कलर थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद गैस स्टोव को बंद कर दें. सारे मसालों को अच्छे से ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद सारे मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे. दरदरा पीस लेने के बाद आपका कोल्हापुरी मसाला रेडी है. आप इस मसाले को कोई भी सब्जी में ऐड कर सकते हैं. ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है. अब हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे. उसके लिए गैस स्टोव पे एक पैन रखें और उसमें एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करें. ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें. उसके बाद हम उसमें 4 कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे. अब 2 कटी हुई प्याज ऐड करें. अब इसमें आधा टेबलस्पून नमक और आधा टेबलस्पून हल्दी डालें. सबसे लास्ट में हम हरा कटा धनिया ऐड करेंगे. उसके बाद पैन को ढक के 2 से 3 मिनट तक इसे पकने दें. बीच बीच में चेक करते रहिए ताकि ये जले ना और ओवर कुक ना हो जाए. 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा दें. आप देख सकते हैं आपके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक चुके हैं. उसके बाद गैस स्टोव को बंद कर दें. इसे ठंडा करके इसकी प्यूरी बना लें. गैस स्टोव पे पैन रख के उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करें. घी को थोड़ा सा गर्म होने दें और उसमें पनीर ऐड करें. यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसे मीडियम साइज के क्यूब्स में कट किया है. अब हम पनीर को अच्छे से रोस्ट करेंगे. पनीर की सारी साइड्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन भुनी जाने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लें. हम इस रेसिपी में ये सारे वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे. आप वीडियो को रोक के सारी वेजिटेबल लिस्ट देख सकते हैं. हाँ, मैंने एक बाउल कॉलीफ्लावर लिया है. इसे सबसे पहले हम फ्राई करेंगे क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम लगता है. कॉलीफ्लावर थोड़ा सा ब्राउनिश होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें. यहाँ मैंने आधा बाउल फ्रेंच बीन्स लिए हैं. इन्हें ज़्यादा न पकाएं क्योंकि ग्रेवी के साथ भी हम सारे वेजिटेबल्स को कुक करने वाले हैं. इस लेवल तक फ्राई होने के बाद इसे भी एक प्लेट में निकाल लें. यहाँ मैंने आधा बाउल यानी कि 2 मीडियम साइज के गाजर लिए हैं और उन्हें स्क्वायर शेप में कट किया है. गाजर को भी अच्छे से फ्राई कर लें. सबसे लास्ट में हम आलू फ्राई करेंगे. सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि आलू कढ़ाई को चिपक जाता है और वो चिपका हुआ आलू जलने लग जाता है और सारी वेजिटेबल्स का टेस्ट बिगाड़ देता है. यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको इस शेप में कट किया है. 1 मिनट तक पकाने के बाद आलू की सारी साइड्स रोस्ट हो जाएंगी. आपको इस लेवल तक आलू को रोस्ट करना है. आलू रोस्ट होने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लें. अब हम इस रेसिपी के एंड के प्रोसीजर में आ चुके हैं. एक कढ़ाई ले और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें. ऑयल को ज़्यादा गर्म ना होने दें और हमने ये जो प्यूरी बनाई है वो उस ऑयल में ऐड कर दें. अब हम इसमें आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून कोल्हापुरी मसाला जो हमने बनाया हुआ है वो ऐड करेंगे. अब हम इसमें आधा टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे.
हम लोगों ने पहले ही जो कोल्हापुरी मसाला बनाया हुआ है उसी का यूज़ हम करेंगे और कोई स्पाइसेस इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे मसालों को इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लें। कढ़ाई पे पैन रख के 4 से 5 मिनट तक इसे पकने दें और गैस की फ्लेम लो मीडियम पे रख दें। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा दें और उसमें 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें और वापस से कढ़ाई पे ढक्कन रख दें। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा दें। आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ी सी ब्राउनिश हो चुकी है। गैस की फ्लेम लो करें और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लें। ग्रेवी में 2 टेबलस्पून फ्रेश अमूल क्रीम डालें और क्रीम को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर दें। अब सबसे लास्ट हम फ्राई किए हुए सारे वेजिटेबल्स और पनीर इस ग्रेवी में ऐड करेंगे। सारे वेजिटेबल्स को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करें। सबसे लास्ट में हम 1/2 बाउल मटर डालेंगे। मटर सबसे लास्ट इसलिए डालेंगे क्योंकि मटर जल्दी से पक जाते हैं। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देंगे और कढ़ाई पे ढक्कन रख के 4 से 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद कढ़ाई से ढक्कन हटा दें और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। हम यहाँ पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि सारे वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाएं और जले ना। कढ़ाई पे वापस से ढक्कन रख दें और इसे 5 मिनट तक पकने दें। 5 मिनट के बाद कढ़ाई से ढक्कन हटा के सारी वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स कर लें। आपकी वेज कोल्हापुरी ये डिश रेडी है। आप इसे पराठा, चपाती, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।